हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो हमने देखा था कि सेल डिवीज़न क्या होता है, किस प्रकार एक सेल अनेक नई सेल का निर्माण करती हैं, और अगर सेल डिवीज़न कभी होता ही नहीं तो यह संसार कैसा होता, किस प्रकार के जीव होते। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, इसको हम थोड़ी आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम यह भी जानेंगे कि सेल साइकिल सेल डिवीज़न से कैसे जुड़ा हुआ है। आप में से काफ़ी लोग सेल साइकिल की डिफरेंट फेजेस यानी जीवन फेज, एस फेज, जी टू फेज, एम फेज या जी जीरो फेज को लेकर काफ़ी कंफ्यूज होंगे। तो इस वीडियो में इसी को ब्रीफ में समझते हुए आगे चलेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं मेडिकल फ्यूचर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेहद ही अच्छे और बेहद ही यूज़फुल प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है मल्टीफंक्शनल पोर्टेबल टेबल, जो आपकी स्टडी को और भी आसान बना देगी। इस टेबल को मैं खुद यूज़ करता हूँ। जब मैं स्टडी टेबल पर ज़्यादा देर बैठकर थक जाता तो इस टेबल को कहीं भी कम्फर्टेबल जगह पर ले जाकर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। यह कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ऐसे ही मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको भी ये टेबल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी अमेज़ोन की लिंक मिल जाएगी, आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि सेल साइकिल होता क्या है, तो सेल साइकिल लिविंग बीइंग में वहाँ दो अवस्थाएं होती है जिसमें कि शरीर की सेल्स अपनी ग्रोथ तथा डिविज़न करती है। यह अवस्थाएँ बार बार दोहराई जाती है जिससे एक साइकिल का निर्माण होता है, इसे ही सेल साइकिल कहते हैं। परंतु जब इसी साइकिल में ग्रोथ तथा डिवीज़न असामान्य रूप से होने लगे तो यह कैंसर का रूप ले लेता है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है, परंतु इसमें मिलने वाली हर जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी बहुत। सेल साइकिल में मेनली दो फेज होती है, इसमें पहली इंटरफेज तथा दूसरी एम फेज या माइटोटिक फेज होती है। पहले इंटरफेज की बात करें तो इसमें सेल अपने आप को बड़ा करती है, यानी अपने आकार व आकृति को बढ़ाती है तथा अपने डीएनए को दुगना करती है, ताकि विभाजन के समय दो डॉटर सेल अपनी मदर सेल के समान आकार व आकृति ले सकें। संपूर्ण सेल साइकिल में इंटरफेज 95% ड्यूरेशन बनाता है। इसे सेल की रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करती है। इंटरफेज में सेल की ग्रोथ तथा डीएनए रेप्लिकेशन साथ साथ होता है, जो एक जेनेटिक कंट्रोल प्रक्रिया है। डीएनए रेप्लिकेशन में सेल अपने डीएनए को दुगना करती है ताकि आगे डिवीज़न के समय कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा समान रहे। अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लेकर देखें तो एक ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर इसमें माइटोसिस होता है तो दो डॉटर सेल का निर्माण होता है, इसलिए अगर इंटरफेज में डीएनए डबल हो जाएगा यानी सेल में 46 क्रोमोसोम से बढ़कर 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे तो बनने वाली दोनों सेल्स में 46 क्रोमोसोम अपनी मदर सेल के समान देखने को मिलेंगे। अगर आप माइटोसिस एवं मियोसिस के बारे में नहीं जानते या इन दोनों के बीच कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना सकूँ। बट इसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तथा उसके पास में उपस्थित बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पर भी हो तो हमारे पेज medicalfuture.sb को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम वहाँ रोज़ाना नई नई पोस्ट और इंटरेस्टिंग पोस्ट डालते रहते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इंटरफेस को देखने के बाद आइए देखते हैं माइटोटिक फेज क्या होती है। माइटोटिक फेज सेल साइकिल का महज 5% ड्यूरेशन बनाता है। माइटोटिक फेज में सेल का डिवीज़न होता है, जो कि दो प्रकार से होता है। पहला है कैरियोकाइनेसिस तथा दूसरा है साइटोकाइनेसिस। जैसा कि नाम से पता चलता है, कैरियोकाइनेसिस इसमें सेल के न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस के डिवीज़न के आधार पर इसे दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस, जबकि साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के आधार पर इसे दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला है सेल फरो मेथड, जो कि एनिमल्स में देखने को मिलता है, जबकि दूसरा है सेल प्लेट मेथड,
जो कि केवल प्लांट्स एंड अदर में देखने को मिलता है। परंतु हॉवर्ड तथा पॉप ने सेल साइकिल को चार स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहली है जीवन फेज, दूसरी है एस फेज, तीसरी है G2 फेज और चौथी है M फेज। इसके अलावा इसमें एक G0 फेज भी देखने को मिलती है। पहली तीनों फेज यानी जीवन, एस तथा G2 फेज को इंटरफेज में रखा गया, जबकि M फेज को माइटोटिक फेज में रखा गया। आइए जानते हैं सभी अवस्थाओं के बारे में एकदम आसान भाषा में। जैसा कि इंटरफेज को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें पहला जीवन फेज शुरू होती है, इसे गैप वन फेज भी कहते हैं। इसमें सेल का निर्माण बहुत तेज गति से होता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ER और कई और सेल ऑर्गेनल्स का निर्माण भी जीवन फेज में हो जाता है। इसमें अधिकतर RNA का निर्माण भी होता है, जैसे कि mRNA, rRNA एंड tRNA। इसके साथ ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन का निर्माण भी जीवन फेज में हो जाता है। जीवन फेज में कोशिका हायर मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करती है। जीवन फेज खत्म होने के बाद सेल एस फेज में एंटर करती है। एस फेज को सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ DNA का सिंथेसिस होता है, यानी DNA का डुप्लीकेशन होता है। DNA डुप्लीकेशन को DNA रेप्लिकेशन भी कहते हैं। DNA रेप्लिकेशन के साथ साथ एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन तथा सेंट्रियोल का निर्माण भी होता है। हिस्टोन प्रोटीन DNA से जुड़कर क्रोमोसोम का निर्माण करता है, जबकि सेंट्रियोल सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर का निर्माण करते हैं, इस पर क्रोमोसोम टंगे रहते हैं। एस फेज में DNA के डुप्लीकेशन के बाद सेल तीसरी फेज में यानी G2 फेज में प्रवेश करती है, जो इंटरफेज की अंतिम अवस्था होती है। G2 फेज को गैप 2 फेज और प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ माइटोसिस से पहले आने वाली अवस्था होती है। G2 फेज में मेनली एनर्जी का स्टोरेज होता है, क्योंकि सेल डिवाइड करने के लिए बस एक कदम दूर होती है। इसके लिए G2 फेज में एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लांट्स के लिए क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जो कि ATP बनाने का कार्य करते हैं। जैसा कि चौथी अवस्था यानी M फेज को माइटोटिक फेज में ही रखा गया है, तो माइटोटिक फेज को M फेज भी कहते हैं। M फेज में मेनली टू टाइप के डिवीजन देखने को मिलते हैं, पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस में मदर सेल दो डॉटर सेल का निर्माण करती है, तथा डॉटर सेल के DNA की मात्रा अपनी मदर सेल के समान होती है, यानी 46 क्रोमोसोम होंगे तो डॉटर सेल में भी 46 ही जाएंगे। M फेज की माइटोसिस एवं मियोसिस अवस्थाओं में भी आगे चार सब फेजेस देखने को मिलती है। इसमें प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज एंड टीलोफेज शामिल है। इन सभी अवस्थाओं को हम अगली वीडियो माइटोसिस एंड मियोसिस में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि संपूर्ण सेल साइकिल की प्रक्रिया को कंट्रोल कौन करता है, क्योंकि DNA तो खुद इसमें डिवाइड होता है, और DNA के डिवीजन को कौन सुनिश्चित करता है कि इसमें त्रुटि ना हो। तो उसके लिए सेल साइकिल में कुछ चेक पॉइंट्स पाए जाते हैं, इसे हम जीवन चेक पॉइंट जो कि जीवन तथा एस फेज के बीच होता है, G2 चेक पॉइंट जो कि G2 तथा M फेज के बीच होता है, और अंत में मेटाफेज चेक पॉइंट, इसे मेटा एना चेक पॉइंट भी कहते हैं। ये M फेज में मेटाफेज तथा एना फेज के बीच देखने को मिलता है। इन सभी चेक पॉइंट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रोथ एंड डिवीजन के समय सेल तथा DNA में कोई डिफेक्ट ना हो, कहीं DNA रेप्लिकेशन से पहले ही सेल का डिवीजन ना हो जाए, तथा डिवीजन के समय यह भी देखा जाता है कि क्रोमोसोम अपने स्थान पर सही से हैं या नहीं। इन सभी चेक पॉइंट को कंट्रोल करने का कार्य दो तरह के प्रोटीन करते हैं, जिसमें पहला है काइनेज प्रोटीन तथा दूसरा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK प्रोटीन, जो संपूर्ण साइकिल को एक दिशा प्रदान करते हैं। इन दोनों प्रोटीन की खोज लेलैंड एच हर्टवेल, टिम हंट तथा सर पॉल एम नर्स ने की थी, जिसके लिए इनको 2001 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने कैंसर के बारे में चर्चा की थी, तो आइए जानते हैं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर एक प्रकार का अनियंत्रित माइटोसिस होता है, जिसमें सेल के चेक पॉइंट की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है तथा कोशिका निरंतर डिवाइड होती रहती है। इसे किसी मॉलिक्यूल द्वारा नहीं रोका जा सकता। कैंसर सेल में मेटास्टेसिस होने के कारण, यानी सेल के अनेक टुकड़े ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलने के कारण या शरीर के कई जगहों पर बढ़ जाता है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा।
तो अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो सेल डिवीज़न का नहीं देखा है तो यहाँ पर वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें।